हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एंटी नेट क्लासेस एंड दिस इज़ निकिता राजपूत। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे एंटी नेट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो का जो भी नया नोटिफिकेशन होगा वो आपको रिसेंटली मिल सके। तो हम यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं गाइस, हम यहाँ पर सुपर करंट अफेयर्स डेली बेसिस पर लेकर आते हैं, जिसमें ऑलरेडी हम काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक इसकी एक भी वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और इसके शॉर्ट्स हैंड नोट्स बना सकते हैं। आज हम 27 मार्च का हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे करंट अफेयर, तो आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज का पहला जो क्वेश्चन है ये है, व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी सेलिब्रेटेड रिसेंटली, ठीक है। तो हाल ही में गुलामी के शिकार लोगों की याद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? गुलामी के जो शिकार थे उन लोगों की याद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइज ये मनाया जाता है 25 मार्च में, ठीक है, 25 को होता है ये डे। अगला देखिए, रिसेंटली S&P ग्लोबल हैज़ एस्टिमेटेड इंडिया GDP ग्रोथ रेट टू बी वॉट परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2025, ठीक है, फाइनेंशियल 25। तो हाल ही में जो ग्लोबल ने फाइनेंशियल 25 है उसमें GDP वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रेट का एस्टिमेटेड लगाया है, ठीक है, अनुमान लगाया है। तो वो कह रहे हैं कि 6.8% ये रह सकती है, ठीक है। अगला देखिए, इन विच स्टेट वॉज द फेस्टिवल ऑफ डोल पूर्णिमा सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो हिंदी में प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में डोल पूर्णिमा का उत्सव मनाया गया है, ठीक है। डोल पूर्णिमा, तो मैं आपको बता दूं जो डोल पूर्णिमा फेस्टिवल है ये आपका पश्चिम बंगाल में मनाया गया है। अगला देखेंगे, रिसेंटली RBI हैज़ इम्पोज्ड मॉनिटरी पेनल्टी ऑन विच बैंक, ठीक है। हिंदी में देखते हैं, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है? मौद्रिक जुर्माना लगाया है RBI ने किस पर लगाया है? DCB बैंक पर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ बीन रिसेंटली गिवन द स्टेटस ऑफ मिनी रत्न कैटेगरी 1 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर? तो हाल ही में विद्युत मंत्रालय किसे मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है, ठीक है, किसको दिया गया है? ये दिया गया है GRID इंडिया को। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में पेप्सी को किस देश में अपने परिचालन को विस्तार करने के लिए $400 मिलियन का निवेश करेगा? कितना? $400 मिलियन का निवेश। तो ये देखो आपको पता होना चाहिए पेप्सी को किस देश के साथ कर रहा है, तो ये वियतनाम, ठीक है। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह की मैं आपके लिए इसी और वीडियो लेकर आ सकती। अगला देखिए, वेयर हैज़ गैलिस्टन जेस्टन पेमा हाल ही में कहाँ ग्लैट्यूसिन ज्यूसिन पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो ये कहाँ किया गया है? भूटान में। एंड भूटान में अभी जो है हमारे मिस्टर PM जाके आए हुए जाकर आ चुके हैं आए हुए हैं तो उनको कौन सा अवार्ड मिला है ज़रूर से यहाँ मेंशन कीजिएगा कमेंट में। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में, ठीक है। एंटी नेट क्लासेस पर मैं आपको इस तरह की और वीडियोस लेकर आती हूँ। तो इसमें देखिए, हाल ही में किस राज्य में पहचानी गई गहरे समुद्र की आइसोपोर्ट का नाम इसरो के नाम पर रखा गया है? गहरे समुद्र की आइसोपोर्ट का नाम रखा गया है इसरो, तो ये है केरल की, ठीक है, केरला। अगला देखिए, हाल ही में एक्सरसाइज टाइगर ट्राइब 2024 कहाँ संपन्न हुई है? ये ट्राइफ है
24 कहाँ पर संपन्न हुई है? ये विशाखापत्तनम में हुई है। ठीक है, अगला देखिए। रिसेंटली द इंडियन आर्मी हैज़ लॉन्च IDD ऑन द बॉर्डर ऑफ विच कंट्री? तो हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश की सीमा पर IDD एंड IS सिस्टम तैनात किया है? किसने? भारतीय सेना ने किया है। और किस देश की सीमा पर किया है? ये चाइना की सीमा पर किया है। तो आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो। इसी तरह की और वीडियोज एंड अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।